हेलो, आई एम डॉक्टर नितिन अग्रवाल, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर एट साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दैट इंक्लूड साई हॉस्पिटल इन डोंबिवली एंड लोटस हॉस्पिटल एंड डायबिटिक सेंटर इन वाशी। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हम कुछ भी खाना खाते हैं बॉडी में, वो जाके बॉडी में शुगर बनती है और उस शुगर को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में पैनक्रियाज ग्लैंड रहता है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है और उस शुगर लेवल को नॉर्मल कर देता है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट में जब उस एक्स्ट्रा शुगर यूटिलाइज नहीं कर पाता है बॉडी, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। मोस्ट कॉमन डायबिटीज प्रॉब्लम्स हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली शरीर जो है बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बना पाता है और ये यंगर एज ग्रुप में पाया जाता है। जो बॉडी में इंसुलिन कम बनता है, इसकी वजह से इन पेशेंट्स में इंसुलिन लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली ओल्डर एज ग्रुप में होता है और इसमें बॉडी कुछ हद तक इंसुलिन तैयार करता है और इस कंडीशन को हम दवाइयों के साथ भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी पेशेंट्स को जिसमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है, हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज में ये प्रेगनेंसी में पाया जाता है और इसमें प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल लोगों में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। प्री डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जहाँ पेशेंट डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन उनका शुगर लेवल हाई रहता है और अगर वो ध्यान न दें तो आगे जाके इसमें डायबिटीज़ की बीमारियाँ हो सकती है। डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है, उसको प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है, वो खाना खा रहा होता है फिर भी उसको भूख ज़्यादा लगती है, उसको बहुत वीकनेस लगता है, फटीक लगता है, ब्लरिंग विजन होता है। हम डायबिटीज़ नंबर के लिए ट्रीट नहीं करते हैं, हम डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं कि हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? अगर वो मेजर ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे ब्रेन में आर्टरी को इन्वॉल्व करके स्ट्रोक पैरालिसिस का खतरा रहता है, और अगर लिम्ब के वेसल्स को इन्वॉल्व करें तो वहाँ अल्सर होके एम्पुटेशन तक हो सकता है। स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व करते हैं तो आई में रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी में नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है और नर्व्स में न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।